हाँ देखो बेटा, क्या पढ़ चुके थे हम लोग? कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, ठीक है ना? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, ठीक है ना? रिजल्ट याद है दोनों के? सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या था? 1/C इज इक्वल टू 1/C1+1/C2 एंड सो ऑन, जो भी है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू C1+C2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। चलो अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लो। ठीक, मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में या कंपटीशन वगैरह में आता है, ध्यान देना। देखो इसमें पहले एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं, मतलब शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस डिवीजन, ठीक है ना। जैसे देखो इसमें क्या है, डायग्राम आपको दिया रहेगा और ऑप्शन दिए रहेंगे, बस डायग्राम दिया रहेगा और चार ऑप्शन दिए रहेंगे, आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। जैसे डायग्राम इस टाइप से मान लो आपको दिया है, ठीक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना? डी, ठीक। एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहां पर है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना? K1। दूसरा डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना? K2, ठीक है। बस केवल डायग्राम दिया रहेगा, कैपेसिटेंस आपको बताना है, ऑप्शन दिए रहते हैं इसमें, ठीक है। तो डिस्टेंस डिवीजन का मतलब क्या है? पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? डिस्टेंस डिवीजन, ठीक है ना। डिस्टेंस डिवीजन मतलब डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम इस टाइप से रखें कि वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को इक्वली डिवाइड करें, डिस्टेंस डिवीजन, ठीक। आई बात समझ में? व्हेन टू डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर सच दैट दे इक्वली डिवाइड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है ना। ये इस डायग्राम को ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक, कंफ्यूज मत होना इसमें, ऐसे भी दिया रहता है डायग्राम, ठीक। इतने पोर्शन में एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K1, और इतने पोर्शन में दूसरा डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K2। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मतलब क्या? डी, ठीक है। देखो डायग्राम वही है, यहां प्लेट्स कैसी थी? वर्टिकल। यहां डायग्राम में प्लेट्स कैसी शो कर रहा है? हॉरिजॉन्टल। है वही चीज, क्वेश्चन वही है ना, केवल डायग्राम अलग बनाया है, बस हो गया, ठीक है। तो क्या करना है हमको? देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है पहली बात, दोनों प्लेट्स के बीच में दो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, पहले का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K1, दूसरे का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K2। लेकिन दीज डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड बिटवीन द प्लेस्ड प्लेट्स सच दैट दे इक्वली डिवाइड्स डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना था? डी। तो पहला डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कितने डिस्टेंस में रखा है? D/2 में। दूसरा डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी कितने में रखा है? D/2 में। डिस्टेंस डिवीजन, दो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैं अलग अलग, दोनों प्लेट्स के बीच में D/2 में, ये भी वही है ना। यहां पर ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स, ये,
तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना, डी। तो पहला डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कितने डिस्टेंस में है, डी बाई टू। दूसरा डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कितने डिस्टेंस में है, डी बाई टू। ठीक है, तो अब आपको ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिख रहा है इसका कैपेसिटेंस बताना है, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, ठीक, चलो देखते हैं। ठीक है भाई, वैसे तो लास्ट में हमारा जो रिजल्ट आता है उसको हम याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं भाई, कैसे आया रिजल्ट जरा ये तो देखें अपन। ठीक, ध्यान से मेरी बात समझो। ठीक, डिस्टेंस डिवीजन है ना, इधर देखो, इस डायग्राम को अलग मैं ऐसे बना लूं, ठीक। देखो, पहला डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के वन, कितने डिस्टेंस में है, डी बाई टू। दूसरा डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के टू, कितने डिस्टेंस में फिल है, डी बाई टू। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें, इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें, मतलब इसको हम एक कंडेंसर मान लें, कैपेसिटेंस कितना, सी वन, इसको एक कंडेंसर हमने मान लिए, कैपेसिटेंस कितना, सी वन। इसको आप दूसरा कंडेंसर मान लो, कैपेसिटेंस कितना, सी टू। ठीक, इसको हमने एक कंडेंसर मान लिया और इसको दूसरा मान लिया। ठीक है, मतलब इस कंडेंसर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब देखो, इसको एक कंडेंसर माने अपन ने, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना, डी बाई टू। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना, डी बाई टू, दो कंडेंसर मान लिए है ना। इसको, इस कैपेसिटर को हमने पार्ट में डिवाइड करे, इसको एक कंडेंसर मान लिया अपन ने, कैपेसिटेंस कितना, सी वन। इसको दूसरा कंडेंसर मान लिया, कैपेसिटेंस कितना, सी टू। ठीक, अब आप देखो, ये सी वन सी टू किस में कनेक्ट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, दिख रहा है ना, सी वन सी टू किस में कनेक्ट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। एक काम करते हैं, पहले हम सी वन सी टू की वैल्यू निकाल लें, तो कैपेसिटेंस सी वन क्या होगा, एप्साइलॉन जीरो के वन ए अपॉन डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फॉर्मूला याद है कि नहीं, एप्साइलॉन जीरो के ए अपॉन डी। लेकिन यहां डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी थोड़ी है, क्या है, डी बाई टू है। ठीक, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, देखो, सी टू इज इक्वल टू एप्साइलॉन जीरो के टू ए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना, डी बाई टू। ठीक, ठीक, मतलब इस कैपेसिटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड करे, दो अलग अलग कंडेंसर मान लिए। लेकिन अब ये देखो कि ये दोनों कंडेंसर किसमें कनेक्ट हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, किसमें कनेक्ट हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में वन बाय सी इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू। ठीक है, ध्यान सुनो एक बात मेरी, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू। लेकिन इसी को अगर मान लो हम सॉल्व कर लें, ठीक, करके देख लो, अच्छा भाई 1 बाय सी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा सी वन सी टू, यहाँ आ गया सी वन प्लस सी टू, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू आएगा, आएगा ना। ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अगर दो कंडेंसर सीरीज में हैं
तो इक्वेलेंट कैपेसिटेंस हम किससे फाइंड करेंगे? फॉर्मूले से, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2, ठीक। या फिर आप डायरेक्ट यही अप्लाई कर दो ना, दो स्टेप बच जाएगी आपकी। दो कंडेंसर अगर सीरीज में हैं तो इक्वेलेंट कैपेसिटेंस ये, और या तो ये, तो सीधे हम इसी से कर लेना। इक्वेलेंट कैपेसिटेंस कितना? C1 C2 / C1 + C2 होगा ना, ठीक है, होगा, देखते हैं। चलो तो इक्वेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, भाई इनका इक्वेलेंट निकाल रहे हैं ना अपन, और इनका इक्वेलेंट निकाल रहे हैं मतलब इस कंडेंसर का कैपेसिटेंस हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है, C1 C2, तो C1 C2 की वैल्यू तो लिखी हुई है ना, C1 यानी एप्साइलॉन 0 K1A अपॉन D/2, क्या आ गया, D/2 इंटू C2 एप्साइलॉन 0 K2A अपॉन क्या, D/2 अपॉन C1 + C2 एप्साइलॉन 0 K1A अपॉन D/2 प्लस एप्साइलॉन 0 K2A अपॉन D/2 होगा। अब सॉल्व कर ले, हम क्या करें, हम सॉल्व कर ले, ठीक है ना, देखो क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, देख लो यहां तक, पहले यहां तक समझ में आया। अब केवल इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है, देखो क्या होगा भाई, डिनोमिनेटर को पहले अगर हम सॉल्व करें, डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा, D/2 आएगा ना, एक D/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, एक D/2 कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेलेंट कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू, देखते हैं, इक्वेलेंट कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू, देखो देखो इधर न्यूमिनेटर में क्या आया, एप्साइलॉन 0 K1A इंटू एप्साइलॉन 0 K2A, यहां एलसीएम क्या आया था, D/2, तो एक D/2 कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचा आपका, D/2। डिनोमिनेटर में देखो आप, ये बचेगा ना, डिनोमिनेटर में क्या बच गया आपका, ये क्या आ जाएगा कॉमन, एप्साइलॉन 0A कॉमन आ जाएगा, क्या बचा देखो, K1 + K2, ठीक है, ठीक। चलो यहां देखो अब, तो इक्वेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, ठीक, ये D/2 अपॉन में आ जाएगा ना, ये D/2 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में, तो देखो क्या होगा, एप्साइलॉन 0 K1A इंटू एप्साइलॉन 0 K2A अपॉन एप्साइलॉन 0 A K1 + K2 D/2 आया, ठीक। एप्साइलॉन 0 A एक कैंसिल कर लो, तो देखो क्या आया, इक्वेलेंट कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू एप्साइलॉन 0 K1 K2 ए अपॉन K1 + K2 इंटू D/2 आएगा, 2 आ जाएगा ऊपर। देखो अब थोड़ा सा अरेंज करके मैं लिख रहा हूं, है ना, C इज इक्वल टू, देखो ये 2 आ गया ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस K1 K2 अपॉन K1 + K2 क्या बच गया, एप्साइलॉन 0 A अपॉन D, ये होगा। मतलब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है डिस्टेंस डिवीजन, ये या ये हैं दोनों डायग्राम एक ही, तो इसका एक्चुअल में कैपेसिटेंस इतना होगा।
ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है डायग्राम में भाई? दो मीडियम है, कितने मीडियम है? दो। कैसे रखे हुए हैं? बोथ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस आर इक्वली डिवाइड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इक्वली डिवाइड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो शॉर्ट में हम बोल देते हैं डिस्टेंस डिवीजन अपने याद रखने के लिए। तो ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है उसका कैपेसिटेंस इतना होगा, ठीक है मेरी बात? या फिर इसको थोड़ा सा और हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। यहां देखो, इसकी जगह मान लो हमने लिख लिए के इक्विवेलेंट। क्या लिख लिए? के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट किसकी जगह लिख रहे हैं हम? ट्वाइस के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू, ठीक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट मीडियम के वन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सेकंड मीडियम के टू। तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आया? ट्वाइस के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू। या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो इसको आप? मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलें? हार्मोनिक मीन ऑफ के वन एंड के टू बोल सकते हैं ना, हार्मोनिक मीन ऑफ के वन एंड के टू, के इक्विवेलेंट का मतलब, ठीक। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस कंडेंसर का कैपेसिटेंस कितना होगा? इस कंडेंसर का कैपेसिटेंस कितना होगा? देखो ये आ गया ना रिजल्ट, ठीक। या तो रिजल्ट ये याद रखो, या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? के इक्विवेलेंट। तो ये जो कंडेंसर आपको दिख रहा है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? यहां हमने लिख लिए के इक्विवेलेंट। और एप्साइलॉन जीरो ए अपॉन डी क्या है? एप्साइलॉन जीरो ए अपॉन डी इज व्हाट? कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज ओनली एयर, याद है कुछ? यही है ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? सी जीरो। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? सी जीरो। इतना याद रखें बस, के इक्विवेलेंट। लेकिन ध्यान रखना कि यहां के इक्विवेलेंट मींस क्या? के इक्विवेलेंट यानी क्या? हार्मोनिक मीन ऑफ के वन एंड के टू। भाई ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस इतना होगा, C0 एप्साइलॉन 0 ए अपॉन डी, K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट मतलब क्या? हार्मोनिक मीन ऑफ K1 एंड K2, मतलब ट्वाइस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। डिस्टेंस डिवीजन मतलब डायग्राम देख के पहचान में आना चाहिए कि डिस्टेंस डिवीजन है, और डिस्टेंस डिवीजन है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना होगा। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाल लिए हमने, ठीक है। कैपेसिटेंस कितना आया? के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट मतलब हार्मोनिक मीन ऑफ के वन एंड के टू। सी जीरो, सी जीरो मतलब क्या? एप्साइलॉन जीरो ए अपॉन डी। इस कंडेंसर का कैपेसिटेंस इतना होगा, ठीक है। या एग्जांपल, इसी का एग्जांपल मान लो अगर ऐसा होता, यहां पर एयर है, क्या है? एयर। अब बताओ, इसी से निकाल सकते हो आप? इसी से आ जाएगा ना भाई, क्यों भाई? पहले दो मीडियम थे, डिस्टेंस डिवीजन में दो मीडियम थे, के वन के टू। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो एक ही है, डी बाई टू में। दूसरे डी बाई टू में क्या है? एयर। दूसरे डी बाई टू में क्या है? एयर है।
लेकिन है तो डिस्टेंस डिवीजन ना। तो यहां देखो के वन की जगह क्या लिखोगे आप, के, और के टू की जगह क्या है, एयर, एयर है, इसका मतलब क्या, वन। ठीक, एग्जाम्पल ध्यान रखना। तो ये जो कंडेंसर अब आपको दिख रहा है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, देख लो फॉर्मूले से, ट्वाइस के अपॉन के प्लस वन, के प्लस वन एप्साइलॉन जीरो ए अपॉन डी, ये हो। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इसका कैपेसिटेंस इतना होगा। ठीक है, ठीक, डिस्टेंस डिवीजन, तो याद रख लो के इक्वलेंट सी जीरो, के इक्वलेंट सी जीरो, तो के इक्वलेंट ही तो याद करना है, हार्मोनिक मीन ऑफ के वन एंड के टू, के इक्वलेंट मतलब हार्मोनिक मीन ऑफ के वन एंड के टू, ट्वाइस के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू। ठीक, और ये अगर दिया हुआ है तो के वन इज इक्वल टू कितना, के, के टू इज इक्वल टू क्या, वन, ईयर है ना। तो इस कंडेंसर का कैपेसिटेंस इतना होगा। ठीक है, ये था डिस्टेंस डिवीजन, ये क्या था, डिस्टेंस डिवीजन। इसी में दूसरा होता है एरिया डिवीजन, क्या होता है, एरिया डिवीजन। अब एरिया डिवीजन तो क्या मतलब हुआ, अच्छा भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में हमको दो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखना है, दो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखना है, लेकिन एरिया डिवीजन तो क्या मतलब, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैसे रखना है, एरिया ऑफ द प्लेट को इक्वली डिवाइड करें, एरिया ऑफ प्लेट को इक्वली डिवाइड करें, डिस्टेंस को नहीं। ठीक, जैसे ये है मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना, डी। ठीक है, दो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के वन के टू सच दैट दे इक्वली डिवाइड्स एरिया ऑफ द प्लेट, इक्वली डिवाइड्स एरिया ऑफ द प्लेट, तो एरिया ऑफ द प्लेट कितना था, ए, तो हाफ कितना हो जाएगा, ए बाई टू, ये भी कितना होगा, ए बाई टू, तो ए बाई टू में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के वन और दूसरे ए बाई टू में दूसरा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के टू, ये है। पहले था डिस्टेंस डिवीजन, अब एरिया डिवीजन। तो ये जो कंडेंसर आपको दिख रहा है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, है ना। लेकिन अभी आप देखो कैपेसिटर की प्लेट्स कैसी हैं, वर्टिकल। इस डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी आता है, ये कंडेंसर की प्लेट्स हो गई, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मतलब कितना, डी। ठीक है, एरिया डिवीजन, तो एरिया ऑफ द प्लेट मींस क्या, ए, तो ये हो जाएगा ए बाई टू, ये कितना, ए बाई टू, तो पहले ए बाई टू में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के वन, दूसरे ए बाई टू में दूसरा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कितना, के टू। ठीक, दोनों डायग्राम एक ही है। ठीक, यहां प्लेट वर्टिकल थी और दूसरे वाले में प्लेट कैसी है, हॉरिजॉन्टल। तो इस कंडेंसर का कैपेसिटेंस कितना होगा, सोचो, पैटर्न वही है, करना वैसे ही है, हमको करना वैसे ही है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, इधर देखो, इसको हम दो कंडेंसर में अलग अलग डिवाइड कर दें। इसको हम मान लेते हैं एक कंडेंसर, इसको हमने मान लिए एक कंडेंसर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है, डी,
लेकिन एरिया ऑफ द प्लेट कितना है, ए बाई टू। और इसको आप मान लो दूसरा कंडेंसर, इसको हम मान लें दूसरा कंडेंसर। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स तो डी ही है ना, इसको माने पहला कंडेंसर, देखो इसको माने हमने दूसरा कंडेंसर, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इसमें भी कितना है, डी। एरिया ऑफ द प्लेट क्या, ए बाई टू। अब आप देखो, इसको मान लिया हमने एक कंडेंसर, इसको माने दूसरा, इसका कैपेसिटेंस मान लेते कितना है सी वन, इसका कैपेसिटेंस मान लो कितना है सी टू, ठीक है। लेकिन ये दोनों कंडेंसर किसमें कनेक्ट हैं, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसकी फर्स्ट प्लेट और इसकी फर्स्ट प्लेट एक साथ, सेकंड प्लेट एक साथ, इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर किसमें कनेक्ट हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आ रहा है समझ में, क्या किया हमने भाई, हमको तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है जिसमें दो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैं के वन के टू, कैसे रखे हैं, एरिया ऑफ प्लेट को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, एरिया ऑफ प्लेट को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, डिस्टेंस डिवीजन नहीं है। ये कितने डिस्टेंस में है, डी। ये डाइलेक्ट्रिक भी कितने डिस्टेंस में है, डी। लेकिन ये वाला डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ए बाई टू में है, ये वाला डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी ए बाई टू, ठीक है। तो केवल सॉल्व करने के लिए हमने, इजी करने के लिए क्या करें, इसको हमने एक कंडेंसर मान लिया जिसका कैपेसिटेंस कितना सी वन, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना डी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना के। इसको एक कंडेंसर मान लिए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना डी, कैपेसिटेंस कितना सी टू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना के टू। लेकिन इस कैपेसिटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड करे, सी वन सी टू। लेकिन आप देखो ये सी वन सी टू किस में कनेक्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पहले चलो सी वन और सी टू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सी वन की वैल्यू क्या होगी, एप्साइलॉन जीरो के वन, ए की जगह क्या आएगा, ए बाई टू अपॉन डी। देख लो इस कंडेंसर का कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्साइलॉन जीरो के टू, एरिया ऑफ द प्लेट क्या, ए बाई टू अपॉन डी होगा ना। ये दोनों किसमें कनेक्ट हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, सी वन प्लस सी टू। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, एप्साइलॉन जीरो के वन ए अपॉन टू आ जाएगा नीचे, ठीक सी टू। देखो एप्साइलॉन जीरो के टू ए अपॉन, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू, देखो क्या कॉमन आया, एप्साइलॉन जीरो ए बाई डी कॉमन आ गया। क्या बचा, के वन प्लस के टू बाई टू, ये रिजल्ट आ गया। मतलब ये जो कंडेंसर आपको दिख रहा है उसका कैपेसिटेंस इतना होगा, ठीक। या इसको ऐसे लिख लेते हैं, के इक्विवेलेंट के वन प्लस के टू बाई टू की जगह हमने क्या लिखे, के इक्विवेलेंट एप्साइलॉन जीरो ए अपॉन डी, मतलब सी जीरो आया वही। इसके पहले रिजल्ट जो डिस्टेंस डिवीजन में था वही रिजल्ट यहां पर आया है एरिया डिवीजन में, लेकिन दोनों में के इक्विवेलेंट की वैल्यू अलग अलग है, के इक्विवेलेंट की वैल्यू अलग अलग। यहां देखो के इक्विवेलेंट हमने किसकी जगह लिखे हैं, के वन प्लस के टू बाई टू की जगह, के इक्विवेलेंट किसकी जगह लिखे, के वन प्लस के टू बाई टू। या इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, क्या K1 वन प्लस के टू बाई टू मतलब क्या, अर्थमेटिक मीन ऑफ K1 एंड K2 लिख सकते हैं ना। K1 वन प्लस के टू बाई टू मीन्स वॉट, मैथमेटिक्स अगर पढ़े हो तो अर्थमेटिक मीन ऑफ K1 एंड K2
आई बात समझ में, ये याद कर लो तो के इक्विवेलेंट कितना वो ध्यान रखना है, या फिर ये याद कर लो, ठीक देख लो डिस्टेंस डिवीजन और एरिया डिवीजन। आया समझ में? ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है भाई, क्वेश्चन में डायग्राम दिया रहता है बस, और चार ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, बस हो गया, तो रिजल्ट हमको मालूम है। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या किया उसने, एक ही डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया और यहां एयर, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस और यहां क्या एयर, बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सबसे पहले आप देखो डिस्टेंस डिवीजन है कि एरिया डिवीजन है, वहां गलती नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस डिवीजन है या एरिया डिवीजन है, तो आप क्या देखोगे, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को देखोगे कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैसे रखा हुआ है। देखो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इतना, तो एरिया ऑफ प्लेट को डिवाइड कर रहा है ना, तो ए बाई टू में रखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, और ए बाई टू में क्या है, एयर है, क्या है एयर। तो इस फॉर्मूले में क्या करते हैं अपन, के वन इज इक्वल टू के और के टू की जगह क्या है एयर, तो कितना वन, तो के वन इज इक्वल टू के लिखो, के टू इज इक्वल टू वन लिखो, तो अब ये जो आपको दिख रहा है एग्जाम्पल, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, के प्लस वन बाई टू एप्साइलॉन जीरो ए अपॉन डी, के प्लस वन बाई टू एप्साइलॉन जीरो ए अपॉन डी, या चाहे तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, सी जीरो, एप्साइलॉन जीरो ए अपॉन डी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी जीरो। आया समझ में? ठीक आया, चलो अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ठीक भाई, चाहे डिस्टेंस डिवीजन हो या एरिया डिवीजन, डायग्राम आपको पहचानते आना चाहिए, बस पहली बात, डिस्टेंस डिवीजन या एरिया डिवीजन में डायग्राम क्लियर हो जाए पहले। रिजल्ट दोनों में सेम आया था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू आया था के इक्विवेलेंट सी जीरो, दोनों में रिजल्ट देखो यही आया था। अब क्या याद रखना है, डिस्टेंस डिवीजन अगर होगा तो के इक्विवेलेंट कितना, हार्मोनिक मीन ऑफ के वन एंड के टू, डिस्टेंस डिवीजन है तो के इक्विवेलेंट कितना, हार्मोनिक मीन ऑफ के वन एंड के टू, और एरिया डिवीजन अगर होगा, क्या होगा एरिया डिवीजन, तो के इक्विवेलेंट क्या, एरिया डिवीजन अगर होगा तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, अर्थमेटिक मीन ऑफ के वन एंड के टू। आ रही है समझ में बात, भी चाहे डिस्टेंस डिवीजन हो या फिर एरिया डिवीजन, रिजल्ट दोनों में सेम है, के इक्विवेलेंट सी जीरो, लेकिन के इक्विवेलेंट की वैल्यू दोनों में अलग अलग है। डिस्टेंस डिवीजन में के इक्विवेलेंट हार्मोनिक मीन ऑफ के वन एंड के टू, एरिया डिवीजन में के इक्विवेलेंट अर्थमेटिक मीन ऑफ के वन एंड के टू, ये ध्यान रखना है आपको डिस्टेंस डिवीजन और एरिया डिवीजन के एग्जाम्पल सही, ठीक, जो अच्छे एग्जाम्स में पूछता है इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना।